लॉक सेकेंड को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक ने कहा कि रात्रि कर्फ्यू 1 घंटे की छूट दी गई है। इसी के साथ डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक ने कहा कि मास्क का आवश्यक प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक ने कहा कि अनलॉक सेकेंड के नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक ने कहा, क्या निर्देश है? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही निर्देश है कि मैं कहूँगा कि 2 मीटर का जो डिस्टेंस रखना है और फेस मास्क यूज़ करना है। सफाई के निर्देश जो पहले वाले थे वही अभी भी वही इतने ही कारगर है। और लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बिना काम के घर से मत निकलिए और जो डायरेक्शंस है गवर्नमेंट के वो उसका पूरा पालन करिए। जो अनलॉक 2 है वो थोड़ा सा रिलैक्स किया है, 1 घंटे का रिलैक्सेशन बढ़ाया है, लेकिन मैं आपको एज ए डीआईजी ये कहना चाहूँगा कि पूरे रेंज में सभी लोग मास्क पहने, 2 मीटर का डिस्टेंस का फॉलो करें और आवश्यकता ना हो तो घर से ना निकलें। देखिए ये बहुत आवश्यक है आज कि हम लोग समाज को इस संक्रमण से बचाए। तो इन्फोर्समेंट तो होगा कि अगर ये देखा जाएगा कोई लापरवाही कर रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है और बिना कारण के कहीं घूम रहा है, तो जो प्रावधानों के अंतर्गत उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो ज़रूर की जाएगी।